जहाँ पे हम लोग को शिफ्ट किया गया है वहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, रेफरल हॉस्पिटल है, ठीक। तो रेफरल वहाँ पे कुछ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिशन हुआ तो हम लोग रेफरल या पीएससी क्यों करें वहाँ ड्यूटी। हमारे जो हॉस्टल अभी ये मंझौल में है वो एक मतलब खेत के बीच में रखा गया है, ठीक ना। वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है और रात में लाइट नहीं रहती है, अंधेरे में रहना होता क्या? वैसे जगह में रहना सही है हम लोग के लिए? एनम स्कूल बेगूसराय की छात्रा हूँ। अभी तक मेरा स्टाइपेंड एक भी रुपया नहीं आया और सदर आ रहे थे सीएस सर के पास तो मेरी प्रिंसिपल लौटा रही थी, बोली कि किस लिए जाएगी, अभी नहीं जाएगी। हम अभी बेगूसराय सिविल सर्जन कार्यालय के पास और यहाँ दर्जनों की संख्या में छात्राएं हैं, एएनएम स्कूल की छात्राएं हैं जो अपनी मांग को लेकर यहाँ मिलने आए हैं सीएस से, लेकिन अभी सीएस हैं नहीं तो ये इंतजार कर रही है। तो हम इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या मांग है इनकी और क्यों मिलने आए हैं। मेरा नाम नीलू कुमारी है, मैं एएनएम स्कूल बेगूसराय की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जहाँ पे हम लोग को शिफ्ट किया गया है वहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, रेफरल हॉस्पिटल है, ठीक। तो रेफरल वहाँ पे कुछ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, नहीं इमुनाइजेशन कुछ होता है, न लेबर कुछ होता है, न पेशेंट वगैरह कुछ आता है, ओपीडी तो कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। वहाँ पे मैम बोलती तुम लोग ड्यूटी करने जाओ तो, लेकिन वहाँ पे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे तो हम लोग वहाँ ड्यूटी क्यों करने जाएं? अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। ट्रेनिंग आधी अधूरी होगी। हाँ, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे पेशेंट आती ही नहीं है तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे हम? एक महीने से हम लोगों का जो हॉस्पिटल ड्यूटी है वो बंद है। हम लोग अभी बरौनी से, पहले हम लोग बरौनी में रहते थे लेकिन अभी हम लोगों को मैम ने यहाँ पे शिफ्ट करा है मंझौल में, और 2 तारीख को हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं लेकिन हम लोगों की ड्यूटी नहीं लगी है अभी तक में। हमारी मांग ये है कि हम लोग हॉस्पिटल, वो रेफरल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ वो कोई भी पेशेंट नहीं आता, एक आध दिन में आ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो हम लोगों की मांग ये है कि हमें सदर हॉस्पिटल। कितनी आप लोग स्टूडेंट हैं वहाँ पे? हम लोग सीनियर में, हम लोगों के बैच में 44-45 है और जूनियर है हमारी 48। हाँ, और वहाँ लगभग 100 स्टूडेंट हैं। हाँ, लगभग 100 स्टूडेंट। इन लोगों के पास ये कहना है, क्या नाम नाम क्या? सिमी परवीन। सिमी परवीन, आप ये बताइए कि इन लोगों के पास प्रैक्टिकल के लिए कोई साधन नहीं है? जी नहीं, हमारे पास प्रैक्टिकल, उन लोगों के पास प्रैक्टिकल कोई साधन नहीं, ना ही कोई स्पेस है। हम लोग रेफरल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ खड़े रहने की भी इतनी सारी स्टूडेंट हैं, जगह नहीं। लोग अगर थ्योरी रट के, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम लोग पेशेंट पर ट्राई नहीं करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पढ़ाई अधूरी रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम लोग कुछ सीख पाएंगे, रट के थोड़ी होगा। अभी कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग आज सीएस ऑफिस आए हैं पर यहाँ पे सीएस नहीं है। क्या मांग करने आए हैं? प्रैक्टिकल के लिए, कि प्रैक्टिकल कंटिन्यू हो। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी शर्मा है, मैं एएनएम स्कूल बेगूसराय की स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन 2020-22 है। हम लोग आए हैं कि सर हम लोग का क्लिनिकल ड्यूटी जो होता है वहाँ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ मतलब मंझौल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ सिर्फ 1 घंटी पढ़ाई होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। जब तक हम लोग हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम लोग को नॉलेज कैसे होगा? हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग की जानकारी हम लोग मतलब सीखेंगे जब तक नहीं तो कैसे पाएंगे, क्योंकि किताबी ज्ञान से थोड़े ना कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिकल ज्ञान भी जरूरी है। प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है। हम लोग एएनएम सदर हॉस्पिटल के ही स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को पहले बरौनी शिफ्ट कर दिया गया, तो हम बोले कि मैम हम लोग को यहाँ पे, हम लोग तो उस एरिया के। पहले आपका कहाँ था ये स्कूल? पहले ये बेगूसराय से सदर अस्पताल में था, इसके बाद बरौनी चले गया। तो बरौनी में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट था तो मैम से हम लोग बोले कि मैम यहाँ पे तो हम लोग का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैम बोले अच्छा ठीक है, हम प्रोसेस में, हमारी प्रिंसिपल मैम राम नगीना मैम है। तो उसके बाद हम लोग को बोला कि ठीक है तुम लोग का प्रोसेस है कि मंझौल में बनेगा, तो लेकिन मंझौल तो हम लोग का प्रॉपर हॉस्पिटल और ये पढ़ाई का तो व्यवस्था नहीं, हम लोग का तो सदर हॉस्पिटल है। आप बताइए। हम एएनएम स्कूल बेगूसराय की छात्रा हैं। हम लोग को 1 मंथ से मंझौल में शिफ्ट कर दिया गया है, मंझौल एएनएम स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ ना लाइट का व्यवस्था है और ना ही गार्ड का व्यवस्था है, और वार्डन भी सही टाइम पर नहीं आती है, कभी आती है और कभी नहीं आती। हाँ, पेशेंट नहीं के बराबर आता है तो हम लोग में हम लोग का केस नहीं पड़ेगा, पेशेंट आता नहीं है तो हम लोग के केस बुक में जो प्रोसीजर है वो पूरा कैसे होगा? हम लोग सदर के स्टूडेंट हैं, हम लोग को सदर में प्रैक्टिकल चाहिए। हम लोग को सीनियर सदर चाहिए जो जूनियर है उनको भी चाहिए क्योंकि हम लोग का एडमिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है। हम लोग का एडमिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है। हम लोग स्टूडेंट यहाँ का है। हमारी एडमिशन जब बेगूसराय एएनएम स्कूल में हुई है, बड़ौनी मंझौल क्यों जाए? वहाँ का जो अभी हॉस्टल है कहाँ पर है? मंझौल में। और प्रैक्टिकल भी वही रेफरल में होता है? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। एक महीना
क्लास हम लोग बैठे हुए हैं बस ऐसे क्लास करते हैं, होता ही नहीं है। देखिए ये जो लड़कियां हैं स्टूडेंट हैं एएनएम स्कूल की, और इनकी शिकायत है कि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगी ये तो फिर पढ़ाई अधूरी है इनके लिए। कितने दिन का कोर्स होता है आप लोग? ये 2 साल का कोर्स है जो कि 1.5 साल बीत चुका है, बाकी 6 महीने बचा हुआ है। उसमें यदि नहीं इंटर्नशिप में हम लोग का सिर्फ होता है क्लिनिकल ड्यूटी, मतलब कि क्लास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग सिर्फ क्लिनिकल करेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिशन हुआ तो हम लोग रेफरल या पीएससी क्यों करें वहाँ ड्यूटी? हम एएनएम स्कूल बेगूसराय की छात्रा हूँ, अभी तक मेरा स्टाइपेंड 1 भी रुपया नहीं आया, और सदर आ रहे थे सीएस सर के पास तो मेरी प्रिंसिपल लौटा रही थी, बोली कि किस लिए जाएगी, अभी नहीं जाएगी, और 1 महीने से बोल रहे थे तो फोटो कॉपी दो। अभी मेरी प्रिंसिपल सीएस अंसारी सर के पास आई हुई है, बल्कि मेरे लोग हम लोग के साथ सपोर्ट नहीं कर रही है और ड्यूटी सदर नहीं करवा रही 1 महीने से भी। कितने दिन से आपका स्टाइपेंड नहीं मिला? 1 महीने से भी नहीं मिला, सबको मिल गया कुछ कुछ फर्स्ट ईयर का, मेरा 1 भी रुपया नहीं मिला। अच्छा, और भी समस्या लड़कियों की है यहाँ? हाँ, बहुत सारा समस्या है, और मेस से भी समस्या है कि खाना अच्छा से नहीं मिलता है, सरकारी मेस चाहिए। आप लोग का अभी प्राइवेट मेस है? हाँ, प्राइवेट मेस है अभी। क्या दिक्कत है खाने में? और आलू का सब्जी मिलता है सब दिन, और कुंजरी का भुजिया। मेस चार्ज का 2200 रुपया है, बल्कि मिलता है 13,000 रुपया 1 साल की रुपया। हम चंदा कुमारी है और हम लोग प्रैक्टिकल के लिए सदर चाहते हैं। स्टाइपेंड का एक और समस्या जो कि हम सभी लड़कियों को बराबर मिलना चाहिए, जबकि सभी का परसेंटेज जो है वो बिल्कुल अच्छा है। जब तक हम लोग का परसेंटेज हुआ नहीं तब तक हम लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम कैसे दिए? 18,000 आना चाहिए 1 ईयर का, जिसमें कि हम सभी में से किसी को 12,750 तो किसी को 13,500, किसी को 12,000। किस आधार पर मिला वही तो हम लोग पूछ रहे हैं। ना तो हमारी प्रिंसिपल इस चीज़ का जवाब देती है और ना ही हम लोग किसी से पूछ सकते हैं। किसी से नहीं पूछ सकते? हमारे जो हॉस्टल अभी ये मंझौल में है वो एक मतलब खेत के बीच में रखा गया है, ठीक ना, वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है और रात में लाइट नहीं रहती है, अंधेरे में रहना होता क्या? वैसे जगह में रहना सही है हम लोग के लिए? लाइन है ही नहीं हॉस्टल, लाइन है लाइट कटने के बाद कोई भी एक बल्ब जलने का भी सुविधा नहीं है, और पूरे रात अंधेरे में 100 लड़की रहे बिना सेक्रेटरी गार्ड का, क्या ये सही है? एक भी गार्ड नहीं है? वार्डन है बट वो टाइमली नहीं आती है, कभी उनका फिक्स कभी आई कभी नहीं आई, ऐसे चलता है। कभी कभी तो हम लोग को रात को ऐसे ही रहना पड़ता है। इतना बड़ा बस 5 स्टार में रख दी है, एक भी गार्डन नहीं बोलती है। 5 स्टार होती है हॉस्टल लेकिन कुछ काम का नहीं है, तो होगा ही ना सर, क्योंकि हम लोग लड़कियाँ हैं और कोई भी गार्ड नहीं है, तो सुरक्षा महसूस करेंगे नहीं ना, रहना पड़ रहा है। कब क्या होगा कुछ मतलब कोई ठिकाना नहीं है, बिना गार्ड के 100 लड़की रह रहे हैं, आप ही समझ जाइए कितने दिक्कत से हम लोग रह रहे हैं। एक खेत मतलब खेत के बीच में हॉस्टल को बनाया गया है, नगाड़े की व्यवस्था है। सर यदि हम अगर 6 बजे जाते हैं तो 12 बजे आता है लाइट सिद्धि, इतनी गर्मी है हम लोग लाइट बिल्कुल नहीं रहती। ये समस्याओं की अंबार है इन लड़कियों के सामने, जो छात्राएं हैं एएनएम स्कूल की उनके सामने समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ ये रहती है कह रही है कि एकदम से एकांत जगह पर खेत में हॉस्टल है और वहाँ कोई गार्ड नहीं है हॉस्टल में, हम लोग बीच में फंस गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का रहना चाहिए तो यहाँ पे प्राइवेट के स्टूडेंट रहती है। कहाँ प्राइवेट आके सीख रही है? यहाँ हॉस्पिटल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट की लड़कियाँ आके सीख रही है, लेकिन हम लोग ये देखिए एक और गंभीर समस्या बता रही है, बहुत बड़ी बात बता रही है ये लड़कियाँ, ये छात्राएं जो है सभी सरकारी एएनएम के स्कूल की हैं, लेकिन इनका कहना है कि सदर अस्पताल में प्राइवेट जो नर्सिंग होम होते हैं या उनकी छात्राएं आके यहाँ सीख रही है, लेकिन इन लोगों को ट्रेनिंग कहाँ दिया जा रहा है? मंझौल रेफरल अस्पताल में, जहाँ इन लोगों के लिए खड़े होने की भी जगह नहीं है। और ऐसे बताइए छोटा सा जो रेफरल अस्पताल है वहाँ 100-100 लड़कियाँ कैसे ट्रेनिंग करेगी? गंभीर समस्या है, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये सीएस के यहाँ आई है और कह रही है कि अगर सीएस हमसे नहीं मिलेंगे तो हम डीएम के यहाँ जाएंगे और आगे जहाँ जाना होगा जाएंगे, लेकिन अपनी अपने अधिकार की लड़ाई को हम अब यहाँ रोकने वाले नहीं, आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, चूँकि इनके करियर का सवाल है। कह रही कि अब 6 महीना बचा है, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका 6 महीना बचा है कोर्स और बिना प्रैक्टिकल की पढ़ाई हम सभी का क्लास कंप्लीट हो चुका है, बस 1 महीने और क्लास बाकी है, उसके बाद हम लोग का इंटर्नशिप होगा जिसमें कि हम लोग को केस पुराना रहता है, एएनसी पीएनसी ये सब बनाना होता है, तो वहाँ इतना पेशेंट है नहीं, हम लोग का केस कैसे कंप्लीट हो? 2 साल का कोर्स हम लोग क्या 4 साल में करके जाए?